दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन सभी लॉयर्स के लिए है जिन्होंने डिग्री तो ले ली है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं कराया है। आपकी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, उन ऑफिसेस में आपको जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तब जाके आगे आप एडवोकेट अपने लिख सकते हैं जब वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिलेगा। तो क्या कैसी प्रक्रिया है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करने की, इस वीडियो में हम डिटेल में वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको रिस्पेक्टिव मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी बताऊंगा कि क्या कैसे डाउनलोड फॉर्म्स आपको करने हैं, क्या कैसी प्रोसीजर है, क्या फी स्ट्रक्चर वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। और आपका जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उसमें भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट बार काउंसिल्स हैं जिनकी प्रक्रिया ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गई है, कुछ हैं जो ऑफलाइन अभी भी लेते हैं। जैसे MP के साथ भी वही है कि आपको फॉर्म लेके फिल करके वो फिजिकली सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, तो हम डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। अगर आप भी ढूंढ रहे थे ये वीडियो तो आपके लिए है, आखिर तक देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया आपको मिल जाए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। साथ ही साथ पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सारी जानकारी आपकी लॉ से रिलेटेड कोर्स कॉलेजेस करियर से जुड़ी सारी जानकारी एग्जामिनेशन वगैरह सब यहीं आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि कैसे खुद को एडवोकेट के लिए एनरोल करें। ठीक, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वो मैंने आपको बताई है, यहाँ बताने वाला हूँ कि क्या कैसा होना है। सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट वो है आपका डिग्री। भाई अगर आप डिग्री कर चुके हैं तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अब आपकी वो डिग्री, चाहे वो LLB की 3 ईयर्स की हो या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की 5 ईयर की हो, जो भी आपने किया हुआ है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, सो वही सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कर रहे हैं कम्प्लीट यहाँ पर, तब जाके सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद ही यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चीज़ें देख लिए क्या कैसी ये प्रोसीजर होने वाली स्टेप बाय स्टेप। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसके बिना तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, हालाँकि हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो 5 ईयर्स वाली है, ये 3 ईयर्स वाली है, यहाँ पर आपकी अलग अलग कोई भी हो, चाहे वो BA LLB हो या फिर BCOM LLB हो, है ना, BSc LLB, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव आपकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड है। रजिस्टर करना है अपने आप को कहाँ पे, स्टेट बार काउंसिल पे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर आपका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तब आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन किस किस चीज़ का होगा, सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होगा, उसके बाद रिस्पेक्टिव जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हुए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं क्या, उन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। फिर अप्रूव हो जाने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि यार तुरंत आपका अप्रूवल हुआ सारा, आपको कहीं ना कहीं, वैसे जनरली क्या होता है स्टेट बार काउंसिल्स जो है वो आपको 2 ईयर्स का टाइम देते हैं जिसमें आप क्या ट्रेनिंग वगैरह कर लो, अपने आप को इंटर्नशिप कर लो, थोड़ा सा फुल फ्लेजिड बनने की राह में अग्रसर हो जाए। किसी जो लॉयर एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंडर काम करके आप देखें, समझें प्रक्रियाओं को, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स वगैरह सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी। तो ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी। फिर आपको क्या करना है जो इम्पॉर्टेंट है, हाँ भैया बता दूं आपको, AIBE पे वीडियो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बनाई हुई है, 19 जो आने वाला है, बिल्कुल प्रक्रिया आप मान के चलिए कि शुरू हो जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो वो, और फाइनली जैसे ही आप इसको पास कर लेते हैं तब जाके आपको हाँ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है और फाइनली आप अपने आप को एडवोकेट बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक एक चीज़ को और हम अच्छे से समझें डिटेल में यहाँ पे। ठीक, क्या है, सबसे पहले हमने देखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया है मैंने कि क्या होने चाहिए, LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम,
जो भी आपने किया है वो कंप्लीटेड डिग्री हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो भाई आपका बाद में जब आप जाएंगे और वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, अगर नहीं सही पाया गया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में करना है। क्या है स्टेट बार काउंसिल, अभी हम डिस्कस करेंगे, दिखा दूँ मैं एक बार भी पूरी प्रक्रिया आपको, समझा दूँ या फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा के एक नया टैब खोल देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है ऑनलाइन, मध्य प्रदेश का एमपी स्टेट बार काउंसिल है, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल है ना, उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, इस पे जाएंगे, दिख रहा होगा आपको, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ इस साइड में आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप मेन मेन्यू के बाद रजिस्ट्रेशन देख पा रहे होंगे, ये रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी स्ट्रक्चर, आप चाहे तो फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ आप खोलेंगे दिख जाएगा कि कौन सी आयु के लिए क्या कैसा फ़ी स्ट्रक्चर है, किस कैटेगरी के लिए क्या है, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो पूरे ये चार्जेस आपको यहाँ पे उन्होंने किस किस चीज़ के क्या लगने वाले हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, है ना। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये थोड़ा पुराना है, वैसे तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके फॉर्म का चार्ज जो है एप्लीकेशन फॉर्म 1500 रुपये करेंगे, ठीक है। यहाँ फी स्ट्रक्चर के बाद आप जाएंगे नीचे, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ये न्यू प्रोविजनल सर्टिफिकेट, न्यू फॉर्म्स डाउनलोड, तो फॉर्म्स डाउनलोड में जाएंगे, फॉर्म्स के ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एनरोलमेंट फॉर्म, रेड क्लेम फॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड, ये जो भी, अपने को फिलहाल एनरोलमेंट फॉर्म पे जाना है। जैसे ही आप एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। उस एनरोलमेंट फॉर्म का ये प्रोफार्मा है, याद रखिए कि सारी चीज़ें आपको भरना है, ठीक है। हाँ, कैसे क्या विधिवत, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, अगर फॉर्म में आप गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से सोच विचार के साथ, सच्चाई के साथ भरनी है, जो भी फॉर्म में चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं वो सारी चीज़ें, और इस फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या लगने वाले हैं, वो आपको अच्छे से अपडेट कर देने, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी आप सभी लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, आप लोग वैसे ही समझदार हैं, ऐसा मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत अच्छे से फॉर्म आपको सोच समझ के विचार के या किसी बड़े व्यक्ति का गाइडेंस लेते हुए, उनसे चर्चा करते हुए आप भर दीजिएगा, ठीक। ये पूरा का पूरा आपका चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह इसमें सब इंक्लूडेड है A to Z, और उसको अच्छे से भरना है, साथ ही साथ गैजेटेड ऑफिसर से आपको कहीं ना कहीं हाँ सील साइन भी करवाना हो जाता है, ठीक। तो ये आपका फॉर्म यहाँ मिल जाएगा, मध्य प्रदेश वालों के लिए तो मैंने बता दिया है, बाकी आपकी रेस्पेक्टिव स्टेट की काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पर्टिकुलर वो चीज़ें मिल जाने वाली, ठीक है। शपथ प्रारूप वगैरह कि हाँ मैं ये सच्चाई से जानकारी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें वो आपको भरनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है एमपी के रिस्पेक्ट में, आपकी पर्टिकुलर आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हाँ, तो वापस आ जाते हैं अपनी चीज़ में, ठीक। एनरोलमेंट बार काउंसिल में करना है आपको, फॉर्म आपको बता ही दिया है कैसे क्या भरना है, रिस्पेक्टिव आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना है, ठीक। एनरोलमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसमें आपको बहुत अच्छाई से सच्चाई के साथ फॉर्म को फिल करना है, और फिल करने के बाद जो भी उन्होंने फ़ी वगैरह सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दी हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। सो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ LLB डिग्री, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपको लगानी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यहाँ देख लो मार्कशीट्स वगैरह भी सारी लगेंगी, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपकी मार्कशीट नहीं आई होती है, जैसे अभी क्लियर किया हुआ आपने, कंप्लीट किया हुआ है तो नहीं आई, तो डिग्री नहीं आई है, लेकिन प्रोविजनल आ जाएगा, मार्कशीट फाइनल ईयर किया जाएगी और वो सारी, तो उसके बेसिस पे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर डिग्री रहे तो बेहतर है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अब आपकी पूरी यूनिफॉर्म में है ना, वही पैंट शर्ट सफ़ेद पूरा, टाई वगैरह ब्लैक, जो आपकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म है वो, उसमें फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड में लेना है, और वो फ़ोटो 6-7 करीब लगती हैं तो वो आपको लगेंगी, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ, रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से, रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यानी गैजेटेड ऑफिसर से या कॉलेज
जो है आपका वहाँ से, वो सारा करेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको रखना है आधार कार्ड, वोटर आईडी और भी जो रिलेटिव बहुत सारे लगभग 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप रख सकते हैं यहाँ पे। अगेन नेशनैलिटी प्रूफ, नेशनैलिटी प्रूफ में अगर है पासपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट से भी काम आपका चल जाने वाला है। और भी जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, कई बार पंचायतों का भी वो चल जाता है, तो आपको देखना है कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है। एनरोलमेंट फीस जो भी है रेस्पेक्टिव 1500 हमने अभी देख ही ली है यहाँ पे किसकी, एमपी के लिए, और लगभग इसी के अराउंड ही लगभग सभी स्टेट बार काउंसिल्स ये चार्ज करती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार वो देख लीजिएगा आप। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रहने वाली। इसके बाद हम बात करें आपका वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ही ये सबमिट करेंगे आप सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिव आपके बार काउंसिल्स में, वहाँ पे फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, सबसे पहले तो डिग्री वैलिड है कि नहीं है, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है कि नहीं है, फर्जी डिग्री तो नहीं है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली चेक करी जाएंगी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी। जैसे ही आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी तो आपको एक यहाँ पे प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। प्रोविजनल होगा वो भी, जैसे प्रोविजनल मार्कशीट होती है ना, वैसे ही ये सर्टिफिकेशन आपको प्रोविजनल मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग, कोई भी जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके पास जाएं, उनसे निवेदन करें कि महोदय हमको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। सो वो रिस्पेक्टिव जो भी इंटर्नशिप आपको मिल जाए या फिर ट्रेनिंग आपको मिल जाए, उनके पास जाके आपको अनुभव लेना है प्रक्रिया का, कि क्या कैसी प्रक्रिया है, कैसे सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आपकी क्या एथिक्स होने चाहिए, जो एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के होने वाले हैं, इसके अलावा सारी चीज़ें। ये लगभग एक साल के अराउंड की आप इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग कर सकते हैं, ताकि आप प्रोफेशनली यहाँ पे वर्कआउट कर पाएँ, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम है आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE, उसको देना है, ठीक है भाई, उसको फिल करना है। मैं एक वीडियो पूरी उस पर बना चुका हूँ कि कैसे क्या सारी चीज़ें आपकी होती हैं AIBE में, कैसे क्या कंप्लीट आपको देखना है, तो आपको मिल जाएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। AIBE का एग्ज़ाम देना है, 100 क्वेश्चंस होते हैं MCQ बेस्ड, जिसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 45 जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप बाकी कैटेगरी से SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40 मार्क्स होता है, ठीक है, आपको ये लाना है। जैसे ही इसमें दो ही ऑप्शन है, पास या फेल, और कुछ नहीं है, है ना, सिंपल है। बस थोड़ा सा मेहनत आपको इसलिए करनी है कि लोग बाग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, लगभग 16 टॉपिक हैं, है ना, उन टॉपिक्स में से अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी नए पैटर्न्स आ जाएंगे BNS वगैरह, अब आप CIPC वगैरह की जगह लागू हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नए सिलेबस के तौर पे मिलने वाली, तो वो आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपका नॉलेज कितना है। इस एग्ज़ाम के बिना आपको सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पास करना, ठीक है। फिर आपको जैसे पास कर लेते हैं आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और इसके बाद भैया आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बस हाय हाय हाय, फिर आप एडवोकेट हो गए, और क्या चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये कंक्लूजन में वही सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, कैसे क्या आपका एनरोलमेंट करना है, क्या फ़ीस होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या कैसे आपको सबमिट करना है, फिर कैसे एग्ज़ाम देना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। मुझे लगता है कि क्लियर मैंने स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया आपको बताई और समझ आ गई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना है दोस्तों में, शेयर भी कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए आपके लिए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.